उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ संगीता दोनशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। इसी बीच ये जानकारी सामने आ रही है तो वही टोक्यो पैरालंपिक में भारत को एक और गोल्ड मेडल मिला है और ऐसे में अब मेडल्स की संख्या बढ़कर 12 हो जाएगी। मनीष नरवाल ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है, 50 मीटर पिस्टल शूटिंग में ये गोल्ड मेडल। इसके साथ ही आपको बता दें कि सिंहराज अधाना को सिल्वर मेडल मिला है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को एक और गोल्ड मेडल मिला है। जिस तरीके से पैरालंपिक खिलाड़ियों का अद्भुत प्रदर्शन जारी है, ऐसे में भारत के झोली में एक और गोल्ड मेडल आ गिरा है और ये कड़ी मेहनत का नतीजा है, जहां पर मनीष नरवाल ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। बड़ी जानकारी पैरालंपिक से आप तक पहुंचा रहे हैं। 50 मीटर पिस्टल शूटिंग में ये गोल्ड मेडल मिला है तो इसके साथ ही सिंहराज अधाना को भी सिल्वर मेडल मिला है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के हिस्से में एक और गोल्ड मेडल आ गया है और ऐसे में अब टोक्यो पैरालंपिक से ये जानकारी, जहां पर एक और गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया गया है। मनीष नरवाल ने शूटिंग में ये गोल्ड मेडल जीता है और इसके साथ ही आपको ये भी बता देते हैं 50 मीटर पिस्टल शूटिंग में ये गोल्ड मेडल मिला है तो वहीं सिंहराज अधाना को सिल्वर मेडल मिला है और अब जिस तरीके से अद्भुत प्रदर्शन लगातार जारी है, मेडल की संख्या भारत की झोली में बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही लगातार टोक्यो पैरालंपिक से अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भारत की झोली में एक और गोल्ड मेडल मिल गिरा है और उसमें मनीष नरवाल ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। तो वहीं टोक्यो पैरालंपिक में सेवाई का जलवा देखने को मिला है, जहां पर सेमीफाइनल में सेतियावान फ्रेडी को हरा करके उन्होंने गोल्ड जीत लिया है और आज गोल्ड के लिए मैदान में उतरेंगे सुहास सेलवाई। जिस तरीके से गोल्ड जीते का सपना है तो वहीं सुहास सेलवाई का जलवा कायम है। गोल्डन मैन के नाम से उनको जाना जाता है क्योंकि जितनी भी उपलब्धि अभी तक उन्होंने दिखाई है वो कहीं ना कहीं प्रशंसा का विषय है। ऐसे में पैरालंपिक एक और बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि डीएम सुहास एलवाई का जलवा लगातार बरकरार है और अब वो सेमीफाइनल के लिए खेलेंगे, जहां पर वो सेमीफाइनल में सेतियावान को हरा करके अब आज गोल्ड के लिए मैदान में उतरेंगे। बड़ी जानकारी के साथ तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे में पैरालंपिक से लगातार अच्छी खबरें सामने आ रही है तो वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी लेकर के हमारे साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्य, जिस तरीके लगातार अच्छी खबर सामने आ रही है मेडल्स का वो बढ़ता जा रहा है तो क्या खबर है, इस पर क्या अपडेट सामने आ रही है? देखिए, लगातार पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा बरकरार है। भारत ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं बैडमिंटन में सुहास एलवाई, जो कि नोएडा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं और भारत के पहले ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जो पैरालंपिक गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने सेमीफाइनल में फ्रेडी सित्वियान को 21-9, 21-15 से लगातार दो सेट्स में हरा के फाइनल में जगह बना ली है। इसका मतलब ये है कि अब सुहास एलवाई को या तो गोल्ड मेडल या फिर सिल्वर मेडल मिलना बिल्कुल पक्का है और भारत लगातार पैरालंपिक गेम्स में इतिहास लगातार रच रहा है, क्योंकि अभी तक भारत ने कुल मिला के 15 मेडल अपने नाम किए हैं, जो कि आज तक भारत ऐसा नहीं कर पाया था, जिसमें आज शूटिंग में भारत को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, जहां पर मनीष नरवाल ने गोल्ड मेडल और सिंहराज अधाना ने सिल्वर मेडल एक ही इवेंट यानी 50 मीटर पिस्टल SUH-1 कैटेगरी के इवेंट में हासिल किया। एक वाकई में प्रशंसनीय बात भारत की तरफ से, जहां पर लगातार भारत के पैरा एथलीट्स एक ऐतिहासिक प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक रियो ओलंपिक्स भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पैरालंपिक गेम रहा था, जहां पर भारत ने 4 मेडल जीते थे, लेकिन उसका लगभग चौगुना भारत ने पैरालंपिक टोक्यो गेम्स में कर दिया है। अगर मेडल्स टैली की बात की जाए, अभी तक 15 और अभी बैडमिंटन के काफी इवेंट बचे हैं, जहां पर भारत ने पहले ही 3 से 4 मेडल्स अपने कंफर्म कर लिए हैं।
जी ऐश्वर्या, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोरोना काल में डीएम ने गौतम बुद्ध नगर में सराहनीय काम किया है और अब वो टोक्यो पैरालंपिक में जो साहस दिखा रहे हैं उसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनको बधाई दी है, क्या अपडेट है इस पर? देखिए, मेरी लगातार सुहास एलवाई से टोक्यो पैरालंपिक जाने से पहले भी बातचीत होती रही थी। उनका ये कहना था कि एक तरफ जहां पर वो प्रशासनिक अपने ड्यूटीज को निभा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो खेल है, जो बैडमिंटन है, वो उनका पैशन है और वो उसको भी पूरा करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज से उनका ट्रांसफर गौतम बुद्ध नगर किया था जब कोविड काल चल रहा था, क्योंकि नोएडा के अंदर लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे। उस दौरान उनको ये जिम्मेदारी गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में योगी आदित्यनाथ ने दी थी और सराहनीय काम किया था, जहां पर लगभग 2 से 3 महीने के बाद नोएडा के अंदर केसेस बहुत कम हो गए थे। लेकिन इसी के साथ साथ, क्योंकि प्रशासनिक अपनी ड्यूटीज निभा रहे थे, उसी के साथ साथ शाम को जी बिल्कुल बिल्कुल ये सराहनीय काम पूरे देश के लिए गर्व की बात है। तो ऐसे में बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या इस तमाम जानकारी के लिए।